ये जो ब्लॉग है ये पहले का ब्लॉग है और घर का जो प्लास्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। भैया जी लोग जब आए थे घर को प्लास्टर करने के बाद फ्लोरिंग कर रहे थे उस वक्त का ये वीडियो है। हम अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि रेशमा जी के गांव तरफ गए थे और आज इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं। हम अंदर लेके आ गए हैं और ये देखिए सर अभी मिस्त्री भैया जी घोल चढ़ा रहे हैं। काफ़ी मस्त कलर दिख रहा है फ्लोरिंग में और वहाँ से देखिए पूरी कोना सब हो चुका है और ये बाकी दोस्तों पीछे से थोड़ा सा बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सारे का ब्लॉग्स में। और अभी दोस्तों सुबह का 8 बज रहा है, हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और रेशमा जी दोस्तों इस साइड देखिए चूल्हा में बांधन मढ़ा दी थी, अभी चावल डाल दी है। और माही बिटिया दोस्तों देखिए ये हमारा ये टीपा वाला खुर्ची में बैठी है। नमस्ते बोल दीजिए माही। माई बीटे कवर सिंह आप सभी को प्यारा प्यारा नमस्ते। रेशमा जी दोस्तों काफी परेशान है, क्या ही करें। तो ये जो आग के वजह से धुआं ही छोड़ता है और इस बीच में थोड़ा सा बारिश और आ गया ना, तो जितना लकड़ी था वो लकड़ी सब भीग गया और फूकते फूकते दोस्तों आग भी लाल हो जाएगी। हम ये लकड़ी दोस्तों फोड़ दिए हैं, टंगिया से अच्छा सूखा वाला है, लेकिन ये जमीन है ना ये भीग गया, इसके वजह से वो आग अच्छा से नहीं जल रहा है। चावल को रेशमा जी डाल दी है, अभी काफी अच्छा पक रहा है, देखिए उबल रहा है। अभी हम अंदर चलते हैं। हाँ। और आज दोस्तों सबसे ज्यादा मसाला भैया जी लोग बनाए हैं। और इस साइड देखिए सुबह सुबह गोलू भैया वो रेती चाल रहे हैं और जितना घर में सामान था उस सभी सामान को हम दोनों दोस्तों निकाल दिए हैं। देखिए पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। और ये बड़ा बोरा का दोस्तों ये धान है, इसे हम लगा नहीं पाए, तो वही धान है गोडा धान और इसी धान दोस्तों बच गया था। तो हम बोरा में अच्छा से बांध के हम रख दिए हैं, कुटाने के बाद खाने के लिए चावल बन जाएगा। और ये देखिए दोस्तों आज घर का पूरा सभी सामान को हम निकाल के बाहर रख दिए हैं। बारिश आएगा तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये सभी सामान दोस्तों भीग जाएगा। और हमारे पास दोस्तों हम कभी नहीं दिखाए थे टोटल कितना सामान है और आज दोस्तों हम पूरा निकाल दिए हैं, बस इतना ही हमारे पास सामान है। वो दोस्तों कपड़ा है बड़ा सा, वो देखिए गठड़ी में, इसी गठड़ी को रेशमा जी बांध दी है, उसमें वो ब्लैंकेट है और इसमें कुछ और ऐसा खास सामान नहीं है। जितना दोस्तों देखिए झोला झोला में हम डाल के रख दिए हैं। और भैया जी लोग देखिए दोस्तों ये लेवल निकाल लिए हैं और भैया जितना मसाला खा रहा है दोस्तों देख के हम हैरान हो गए। और इस साइड देखिए दोस्तों अभी ये 1 इंच से ही कम है, इस साइड तो थोड़ा पतला ही मसाला डालना पड़ेगा। सबसे ज्यादा ये देखिए 4 इंच से भी ज्यादा है दोस्त, इतना ज्यादा मसाला डालते हुए। और ये इसका जो ढालू है यानी कि उतारू, और इतना हम ज्यादा भरेंगे ना दोस्तों तो ये क्या है दीवार हम उतना ज्यादा हाइट नहीं रखे है, देखिए ये हाइट भी कम पड़ जाएगा। काफी ज्यादा मसाला चारों कोना में डाले हैं लेवल पाइप देखने के बाद। और इसे करने के बाद आज ये वाला को भी पूरा इसे भी दोस्तों फ्लोरिंग करना है। खाना अभी पक के तैयार हो गया है, हम पसा लेते हैं। रेशमा जी दोस्तों अंदर साइड वो काम ही कर रही है, सब्जी काट रही है, तो ये फटाफट हो जाएगा और मिस्त्री भैया जी लोगों के लिए भी हम खाना देंगे। पानी को हम फेंक देते हैं, नहीं तो माही बेटी आएगी ना तो इसे पकड़ देगी। और आज का चावल काफी अच्छा बना है। दो रूम में फ्लोरिंग करने जा रहे हैं भैया जी, तो ये देखिए हम कलर लेके आए हैं और ये तोता कलर डाल के ऊपर फ्लोरिंग करेंगे तो ये कलर नीला कलर ऊपर उभरेगा। तो चलिए दोस्तों अभी दिखाते हैं, पूरा बकेट में घोल लिए हैं। ये देखिए दोस्तों काफी अच्छा भी कलर दिख रहा है नीला नीला, और ये फ्लोरिंग होने के बाद सूख जाएगा तब ज्यादा कलर दिखेगा, अभी इतना नहीं दिख रहा है लिक्विड ये घोला हुआ है। तो हम अंदर लेके आ गए हैं और ये देखिए साइड अभी मिस्त्री भैया जी घोल चढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कम हो गया ना, और डालना पड़ेगा सीमेंट। हाँ हाँ और इसमें दोस्तों थोड़ा सा सीमेंट कम हो गया है, अभी हम फिर से डालते हैं। ये माही बिटिया है ना इसमें पूरा चल के जाएगी ना, तो ये देखिए माही का ये सुप पैर वहाँ पास निशान आ जाएगा। अभी अभी सो क्यों उठी है। काफी मस्त कलर दिख रहा है फ्लोरिंग में
और वहाँ से देखिए पूरी इसकोना सब हो चुका है, और ये बाकी दोस्तों पीछे साइड थोड़ा सा बाकी है। और ये होने के बाद ये सामने तरफ रूम है दोस्तों छोटा वाला, इसमें भी इसी प्रकार घोला फ्लोरिंग चढ़ा देंगे भैया जी, और फिर इसे दोस्तों हम दिखाते हैं पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो रात का 9 बज रहा है और हम सभी लोग भोजन कर लिए हैं, और दो रूम दोस्तों पूरा फ्लोरिंग कंप्लीट हो गया। और आज हमें दोस्तों काफ़ी दिक्कत हो रहा है सोने में, और मुर्गी दोस्तों बाहर साइड सोया है, सभी सामान बिखरा हुआ है। ये देखिए माही भी सोने खोज रही है, रेशमा जी यहाँ पास बिस्तर बिछा रही है, भैया लोग अंदर सोए हैं दोस्तों, वो तो पूरा फ्लोरिंग हो गया तो उधर भी जाने घुसने के लिए जम ही नहीं रहा। और ये देखिए रेशमा जी इतना बड़ा गट्ठा को लेकर आ रही है, और ये मुर्गी इधर सो गई है जी। फ्लोरिंग तरफ जाएगा तो पूरा खून देगी ना। बाहर था वो सभी सामान को इसी कोना में हम अंदर लेके आ गए हैं, बारिश आ रहा था और अभी थोड़ा सा बारिश रुका है, और हम आज खाना सब्जी उस साइड बाहर साइड हम बनाए, बाहर साइड सोई है, पता नहीं रात में लोमड़ी उमड़ी खा देगी, तो मुर्गी को रखने के लिए ऐसा जगह ही नहीं है। और वो जो दोस्तों पहले वाला घर में उसमें नहीं जाते, लोमड़ी आती है रात में, और काफी ज्यादा पहले मुर्गी था खा दिया। इसमें अभी 9 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि ये दोस्तों सिट डाउन होने वाला है, ये बैटरी पूरी तरह से चार्ज डिस्चार्ज हो चुका है। और माही बेटिया देखिए पहले ही बिस्तर में चली गई सोने के लिए। हाँ गुड नाइट बोल दीजिए माही। हाँ माही बेटिया कवर से दोस्तों आप सभी को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम सब उठ गए हैं, और कल दोस्तों जो फ्लोरिंग किए थे वो अभी अच्छा से मस्ता सूख गया है, और इसमें दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम दिखाते हैं, काफी अच्छा सुंदर दिख रहा है। खिड़की को हम कल शाम को ही बंद कर दिए, क्योंकि दोस्तों मुर्गी इसमें घुस के खिड़की तरफ से चल जाती तो पैरों का निशान आ जाता। और काफी अच्छा दोस्तों ये चिकना हो चुका है, और इसमें हम 10 रुपया का पहले भी दिखाएं दोस्तों चूड़ी कलर को डाल दें, तो देखने में काफी अच्छा नीला नीला कलर दिख रहा है इसमें। और ये 2 दिन के बाद इसमें हम सामान घुस निकल सकते हैं, सो सकते हैं, ये अच्छा से हो जाएगा। माही बिटिया दोस्तों अब इसमें घुस गई थी, मत घुसिएगा माही ना। और इस साइड भी देखिए दोस्तों ये दूसरा रूम है, और इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा से नहीं मिला दोस्तों, इसलिए देखिए बीच बीच में ये देखिए कलर अच्छा नहीं मिला है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग का हम यही तक रखते हैं, और वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग में, और तब तक के लिए माही बिटिया बोल दीजिए बाय 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 बाय।